मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रभु राम का कोई भी कार्य बिना शिव जी के पूरा नहीं होता। भगवान शिव और प्रभु राम के आराध्य देव हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि का जो मंदिर है वह बिना शिव के अधूरा रहेगा, इसीलिए राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ के अध्यक्ष आदरणीय परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी द्वारा मंदिर के निर्माण से पहले रुद्राभिषेक करके राम का भव्य निर्माण मंदिर बनने का जो मार्ग है वह प्रशस्त किया। सभी संत महात्मा और जितने भी सनातन परंपरा के मानने वाले हैं, भारत में रहने वाले हैं, हमारे सारे हिंदू लोग, पूरे विश्व के सभी लोगों की प्रतीक्षा थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद निर्णय होने के बाद भगवान का भव्य राम मंदिर बने। सभी संत महात्मा इसका स्वागत किया, अभिनंदन भी किया। 2 जुलाई को ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा आमंत्रित किए जाने पे ऐसा समाचार आया है कि 2 जुलाई को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय योगी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूजन किया जाएगा और मंदिर का भव्य निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद इन सब को लेकर के काफी हर्ष व्यक्त किया है, स्वागत किया, अभिनंदन किया है और ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सभी पदाधिकारियों से यह मांग की है कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में ऐसा बने कि पूरा विश्व उस मंदिर को देखने के लिए आवे और उससे एक ज्ञान ले जाए कि प्रभु राम हमेशा मर्यादित जीवन जिए हैं, तो हम सबका दायित्व है कि सभी लोग उस मंदिर में पूर्ण सहयोग करें। और सभी संत महात्मा जितने भी लोग हैं सबसे मैं यह निवेदन करता हूं कि अयोध्या में भगवान के राम के मंदिर के निर्माण के बाद सभी लोग दर्शन करें, दर्शन करके इस संकल्प को दोहरावें कि प्रभु राम, भारत में कोई भी आपदा विपदा नहीं।